खुलासा नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारी पब्लिक यहाँ आकर के और आम सिंह जी के मर्डर को लेकर के यहाँ आई है कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। अफसोस है कि 22 दिन निकल जाने के बाद में और जिसकी हत्या हुई है वो बहुत ही फेमस आदमी है, अपने क्षेत्र का मौजूद आदमी है। और सबसे बड़ी तो दुखद बात ये लेकर के है कि वो विभिन्न पदों के ऊपर रहे हुए हैं, सरपंच रहे हुए हैं रेगुलर, कई लंबे टाइम तक वो प्रधान रहे हुए हैं, वो जिला परिषद के सदस्य रहे हुए हैं, अपने क्षेत्र के अंदर प्रभाव रखते हैं और कांग्रेस के सक्रिय और प्रखर कार्यकर्ता हैं और वहाँ के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस की सरकार है। उस सरकार के होते हुए अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा न कर पाना ये बड़ी एक दुखद घटना है। इस विषय को लेकर के कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए हम इनके सामने उपस्थित हुए। क्या पुलिस जांच कहां तक पहुंची है, वो आपकी वार्ता भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कहां है। हालांकि उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि कुछ ही दिनों के अंदर हम ये सारा का सारा जो है इसका खुलासा कर लेंगे और एक्यूज जो हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हमने ये भी साथ में ज्ञापन ये दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए किसी प्रकार की एक्टिव कार्रवाई अगर नहीं की तो मजबूर होकर के जनता जो है, जिसमें 36 कौम है, केवल ये मैटर जो है राजपूत कम्युनिटी का नहीं है, 36 कौमों का है, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई है उसका व्यक्तित्व तो भी बड़ा निराला था, सभी को साथ में लेकर के चलने वाला वो था और इसलिए आक्रोश है जनता के अंदर, रोष है। इसलिए हम यही निवेदन करने के लिए आए थे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से। 5-7 दिन के अंदर इस बात का खुलासा नहीं हुआ तो महापड़ाव होगा। हमारी योजना है, पाली के लोग आए हैं, जोधपुर के लोग आए हैं, बाड़मेर के लोग आए हैं, जालौर के लोग आए हैं, जैसलमेर और बाड़मेर आज आप बाहर जाओगे तो वो भी यहाँ उपस्थित है। अगर नहीं हुआ तो सभी जिलों के अंदर या तो सामूहिक रूप से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पड़ाव डाला जाएगा पुलिस और प्रशासन को लेकर। जिस तरीके से आपको पता है कि आम सिंह जी की जो हत्या हुई है उसको लेकर 36 कौम में रोष है और आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 36 कौम से पधारे हुए सभी, हजारों की संख्या में सब पधारे हैं और सभी की एक ही मांग है कि 22 दिन होने के बाद में भी अभी तक हत्या का खुलासा नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद घटना जो परिवार के साथ हो रखी है, उसके साथ भी ये जो समय लग रहा है उसके लिए लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। हम लोग सभी 36 कौम के सब इकट्ठे होकर हमने माननीय कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को दिया है, वह पुलिस अधीक्षक साहब को भी हमने ये ज्ञापन दिया है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से इसको आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करें और 5 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप इस पर कुछ ना कुछ खुलासा करें, अन्यथा हम लोग या तो जिला मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय पे हम लोग बड़ा महापड़ाव करेंगे। उसी के साथ पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक साहब ने और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, पुलिस अधीक्षक साहब ने फरमाया है कि मैं एक एडिशनल एसपी की टीम नई गठित कर रहा हूँ, उसके साथ 2-4 और भी अधिकारी वगैरह लगा के और मुझे आप समय दो, मैं वहीं पर लगा के और नई तरीके से और तफ्तीश कर रहा हूँ। काफ़ी एसपी साहब का कहना था कि मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन वो खुलासा नहीं कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में उसके असर आते हैं, बाकी हमें उन्होंने वापस एक बार आश्वासन दिया, कहा कि मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है पर फिर भी आप मुझे कुछ समय दें और वहां से जो भी उनकी कार्रवाई करनी है, मैं जो आपको खुला नहीं कह सकता उन्होंने हमको बताई, उस कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया और तुरंत प्रभाव से खोलने का हमें आश्वासन दिया। 5 दिन हमने उनके आश्वासन पर हम लोग वापस एक बार जा रहे हैं सिवाना, 5 दिन बाद में जो भी होता है उसके बाद में हम अगला हमारा जो भी प्लान होगा वो करेंगे।